Na 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 na. Still drive me crazy. Hello everybody, कैसे हालचाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे. आज मैं और हेमर जा रहे हैं. हम लोग एक्चुअली एक डॉलर स्टोर मेकअप की वीडियो बनाने वाले हैं. उसके लिए मैं और हेमर डॉलर स्टोर जा रहे हैं मेकअप खरीदने के लिए. एंड घर में मेरी स्टीप टी भी खत्म हो चुकी है. सबसे पहले हम लोग स्टीप टी पिक करेंगे, उसके बाद हम जा रहे हैं डॉलर स्टोर मेकअप पिक करने के लिए. देन हम जाएंगे विनर्स, एंड उसके बाद मुझे मेरी कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी चाहिए. शॉपर्स ड्रग मार जाएंगे. सो हाय गाइस, हाउ यू डूइंग? आर यू डूइंग गुड? ओके, देन सब्सक्राइब मम्मा चैनल, शी मेक्स द बेस्ट ओके दोस्तों. सो तैयार होने का मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ. एंड मेरे स्कार्स काफ़ी लाइट हो गए. इसकी भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करी वो काम तो कर रहे हैं, पर जब मैं उसको यूज़ करना बंद कर देती हूँ 2-3 दिन मेरे स्कार्स फिर से वैसे ही हो जाते हैं. सो आई डोंट नो, उससे मैं कहूँगी कि ये काम कर रहा है, या कहूँगी जब यूज़ करो तो काम करता है, अदरवाइज नहीं. पर फिर भी मैं वो प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सारे. ओके, सो हमने कॉफ़ी एंड डोनट ऑर्डर कर दिया है, एंड डोनट खा के थोड़ा अच्छा फील होगा. मम्मी मम्मी बहुत ठंड आज. ओके, यू कैन ईट इन द माउंटेन, आई विल सिट इनसाइड. ओके, हिम्मत दी फजूल सी फरमाइश है कि वो बाहर बैठ के खाएगा, तो वो बाहर बैठ के खा लेगा. मैं चाय पी लूँगी यहाँ पे बैठ के. सो हिम्मत कह रहा है कि मुझे बाहर बैठ के खाना है, तो यहाँ पे ये ग्रास आ थोड़े पार्क जी है, यहाँ पे बैठ के खा रहा है. पर ग्रास ना वेट है क्योंकि बारिश हो रही थी, तो ये मुझे कह रहा है तुम भी यहाँ पे बैठ के खा. हाउ इज एवरीथिंग गोइंग सन? यू लाइक दिस? सो दिस वन इज बॉस्टन क्रीम. मेरी चाय जो ना मीठा बहुत ज़्यादा है, फायदा की चाय भी इतना मीठा. ओके दोस्तों, तो हम लोग डॉलर स्टोर पहुँच चुके हैं डॉलर रामा में, और यहाँ पे मेकअप के 4-5 ही प्रोडक्ट है. एक तो आई लाइनर की पेंसिल्स है, मस्कारा है, एंड एक आई शेडो है. सो मेरी पूरी किट नहीं बन पाएगी, तो मैंने फ़िलहाल के लिए प्लान पोस्टपोन कर दिया है. डॉलर स्टोर में हिम्मत को लाने के लिए उसे मैंने प्रॉमिस किया था कि उसे मैं एक टॉय ले दूँगी डॉलर स्टोर से, तो वो पसंद कर रहा है कि उसे क्या चाहिए. सो मेरा काम पूरा नहीं हुआ है. हमारे पास डॉलर ट्री है जिसमें मैंने मेकअप देखा था. मुझे लगता है वहाँ पे फुल कलेक्शन है वेट एंड वाइल्ड की, एल्फ की, डॉलर का है प्रोडक्ट वहाँ पे. सो वहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे. अब कल जाऊँगी मैं, यहाँ वीकडे में जाऊँगी, क्योंकि अब मैं बिज़ी हूँ मेरे करवा चौथ के आउटफिट को डिज़ाइन करने में भी. सो फिलहाल के लिए इस प्लान को हम कर देंगे पोस्टपोन. दोस्तों, तो आज का मेरा और हिम्मत का ट्रिप बहुत मज़ेदार नहीं रहा, हमें कुछ भी नहीं मिला. और हमारे जो डॉलर स्टोर है उसमें सारे प्रोडक्ट्स नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि पूरी मेकअप किट हो. तो इस चीज़ को हम पोस्टपोन करने वाले हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब मैं मेरे आउटफिट पे शुरू कर रही हूँ, तो फिर मैं उससे बिज़ी हो जाऊँगी कुछ दिन. सो अब मैं आज के व्लॉग को एडिट करना शुरू करने वाली हूँ. हमारी कोशिश हो रही है कि हम रोज़ कोई वीडियो अपलोड करें. सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, और कमेंट में ज़रूर से बताना अगर कोई आप स्पेशल वीडियो मुझसे देखना चाहते हैं. तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे जब आपकी फीडबैक मिलती है तो ज़्यादा मज़ा आता है कि दैट्स गुड. सो आज के लिए मेरा ये व्लॉग बंद है. मैं आपको कल सुबह मिलूँगी, क्योंकि अब मैं बिज़ी होने वाली हूँ एडिटिंग प्रोजेक्ट में. ओके, बाय. गुड मॉर्निंग दोस्तों. सो आउटफिट ऑफ द डे. सॉरी दोस्तों, ये शीशा बहुत गंदा है, इसको मैं बहुत क्लीन करती हूँ, पर हिम्मत बार 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 हाथ लगा लगा के गंदा कर ही देता है. सॉरी. मैंने पहना है ये ओवरऑल डेनिम ब्लैक टॉप, जो कि मुझे बहुत पसंद है. और आज मैंने ब्लैक शूज पहन लिए हैं, जो मैं बहुत कम पहनती हूँ. गाइस, टेल इफ दिस इज अ वियर्ड थिंग, ओके, इन द कमेंट्स. कैन आई टेल? इट्स अ च्युइंग गम.
ओके लेट्स गो। ऑलराइट प्यारे दोस्तों, तो मैं और हिम्मत आ चुके हैं हमारा दिन बाहर स्पेंड करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड आज बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। उनकी काफ़ी मीटिंग्स हैं ऑनलाइन जूम पे और उनको चाहिए 3-4 घंटे की शांति। और मैंने और हिम्मत ने सोचा कि आज हम डॉलर ट्री चलते हैं एंड डॉलर ट्री से $1 का मेकअप लेके आते हैं एंड $1 मेकअप का चैलेंज करेंगे। सबसे पहले मैं और हिम्मत लंच करने वाले हैं, क्योंकि हमने बहुत ही हल्का ब्रेकफास्ट किया था एंड लंच में मैं और हिम्मत खाने वाले हैं पिज्ज़ा। पिज्ज़ा हमने ऑर्डर कर दिया है जो ये पिज्ज़ा स्टोर में मैं आती हूँ बर्लिंगटन में। आज उन्होंने अपना लोगो उतार दिया है ऊपर वाला। सो मैं और हिम्मत ढूंढ रहे हैं पिज्ज़ा स्टोर कितने गया, और जब हमने देखा कि पिज्ज़ा स्टोर वहीं पर है पर उनका लोगो नहीं है, जिसकी वजह से हमें मिल नहीं रहा था वो, एंड वो कंस्ट्रक्शन चल रही है, हमें लगा बंद है, पर अंदर वो काम तो कर रहे हैं, पिज्ज़ा बना के दे रहे हैं। सो हम दोनों ने ऑर्डर कर दिया, अब हम बाहर बैठ के वेट करते हैं, उसके बाद हम खाएंगे। 4-5 घंटे हम मैं और हिम्मत आज बाहर स्पेंड करने वाले हैं। हम घर वापस जाएंगे 6-7 बजे और अभी 2 बजे हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ब्यूटिफुल डेट विद माई सन। आर यू एक्साइटेड हिम्मत? हिम्मत ने एक्चुअली अभी बबल गम से बबल बनाने सीखे और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, सारा दिन इसी काम में लगा रहता है। Before I couldn't do it, but... And mummy, tell them what you believe in. If you can't do it, what to do? Keep trying. Guys, never quit. Never. Hemant kehta hai ki never quit. Believe in yourself. Try again. If you can't do it, one day you will do it. Right, Hemant? Who teach you these things? You and Miss Newport. Hemant ki teacher bhi isko yehi teach karti hai ki never quit. I'm proud of you, Mimi. Lalu. And leave us alone now. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हमारा पिज्ज़ा आ चुका है। हम लोगों ने लिया है मीडियम पिज्ज़ा एंड हिम्मत का फेवरेट है पेपरोनी, एंड हम लोग बहुत एक्साइटेड है खाने के लिए। काफ़ी गर्म होने वाला है, थोड़ी वेट करेंगे। हमारा पिज्ज़ा कुछ इस तरह का दिख रहा है एंड वी गोना ईट, एक्साइटेड। मुझे और हिम्मत को पिज्ज़ा अच्छा लगता है, लाइक हमें वीक में एक बार या 2 वीक में एक बार तो पिज्ज़ा चाहिए होता है, हम महीने में 2-3 बार तो खाते हैं, राइट मिमी? एंड हमारा जो फेवरेट स्टोर है वो है पिज्ज़ा लियो, स्पेशली जो ओकविल में है, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा उनका फ्लेवर लगता है, लाइक काफ़ी ज़्यादा इटालियन किस्म का फ्लेवर है उनका। एंड मेरे पिज्ज़े के साथ मुझे डिपिंग नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पिज्ज़े का फ्लेवर रियल लेना ज़्यादा अच्छा लगता है। मिमी मिल रहा था गर्म है, थोड़ी वेट करना। नाउ हम वेट करेंगे कि पिज्ज़ा थोड़ा ठंडा हो जाए। पिज्ज़े के ठंडे होने की वेट करना बड़ा मुश्किल काम है यार। अच्छा होता है ना जब पिज्ज़ा घर में डिलीवर होता है तो थोड़ा ठंडा हो ऑलरेडी हो चुका होता है, तो देख रहे हैं मुंह साड़ के अपना। I don't know how long it will take. I think it will take 1 hour. The pepperoni tastes good, mama. Pepperoni tastes good. I can't eat. थोड़ा ठंडा हो रहा है। All right, we are still eating pizza and Hemal आपको review देना चाहता है। Yes, Hemal के review. Pepperoni is pretty good and the sauce is pretty hot, but I could eat it. I have to eat it tomorrow. Took 1 hour to make the finished one pizza because I finished one pizza. कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा छोटी बाइट खा रहा हूँ, उसकी वजह से मुझे 1 घंटा लग गया एक स्लाइस को फिनिश करने के लिए। और मुझे कह रहा है कि धीरे खाओ, क्योंकि मैं धीरे खा पा रहा हूँ, तुम सारा मत खा जाना। मैंने कहा मैं 1 की स्लाइस खाऊंगी, ठीक है खाना। हिम्मत तो पिज्जे को लेके ना पूरा जोई है, जोई ट्रिब्योनी। पेट्रोनी नहीं, ट्रिब्योनी। मिमी जरा जोई है ना, जोई नेवर शेयर हिज फूड। पिज्जा नॉट पॉसिबल, ही सेड ऑर्डर योर ओन। आई शेयर, यू शेयर, बट यू आर वेरी ग्रीडी फॉर योर पिज्जा। I have my own. I'm gonna show you the clip of Zoe where he say I can't share food. Where he is saying ki I can't share food. Even he can't even share his food with a baby, 6-month-old baby. ऑलराइट, तो हम मैं और हिम्मत पहुंच गए हैं डॉलर ट्री। अब यहाँ से कुछ खरीदते हैं। ओके, सो मेरे पीछे यहाँ पे मेकअप है। आज मुझे एल्फ के प्रोडक्ट या वेट एंड वाइल्ड के प्रोडक्ट दिख नहीं रहे हैं। एले कलर के प्रोडक्ट्स हैं और ये है लिक्विड मेकअप। मुझे लगता है ऐसा फाउंडेशन काम करेगा, क्योंकि इस पर लिखा है फ्लॉलेस स्किन देता है। और अब टेस्टर तो नहीं है, तो ऐसे ही मैं ले रही हूँ, मुझे जो लगता है मेरे चेहरे के साथ मैच करेगा, और देखा जाएगा बाद में फिर। सो लिपस्टिक को ना मैं नूड नहीं लूँगी, क्योंकि नूड का ही शेड ना चेहरे पर बहुत अजीब दिखता है।
सो मैं थोड़ा ब्राइट किस्म का ही शेड लेने वाली हूँ। एक्चुअली यहाँ पे कंसीलर भी है बिल्डेबल, सारे सेम ही शेड के। सो ये सारे प्रोडक्ट मैंने खरीदे हैं, ये है रिसीट, एवरीथिंग है $1.25 की। एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बारिश शुरू हो गई है। प्लान था मेरा और हिम्मत का कई जगह जाने का, पर हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि घर में कोई आ रहा है तो जल्दी से वापस आ जाओ, तो हमने हमारा प्लान कैंसिल कर दिया और घर पहुंच गए। हेलो दोस्तों, सो दिस इज़ एडिटिंग मी। सो वीडियो को एडिट कर रही हूँ एंड बातें तो मैं कई सारी करनी चाहती हूँ आपके साथ, पर मैं ज़्यादा बातें करूँगी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। आज मैंने मेरा करवा चौथ वाला आउटफिट कम्प्लीट कर लिया है, थोड़ी सी झलक दे देती हूँ। वहाँ पे पीछे पड़ा है, रेड कलर का है, उसको देखने के लिए कल वापस आ जाना मेरे चैनल पे, क्योंकि कल मोस्ट प्रॉब्ली मैं वो वीडियो अपलोड कर दूँगी। सो यह आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें एंड मैं मिलूँगी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। यू गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग। All you have to do is think about it and take action. That's it. Easy peasy lemon squeezy. Bye, I love you.